हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ पोकेमॉन फायर एज। तो गाइस, लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने दो पोकेमॉन को अपनी टीम में ऐड कर दिया था। वो खुद से आ गए थे, मैंने ऐड नहीं किया था। ड्रैगनाइट आइलैंड पे जाके हम लोगों ने ड्रैगनाइट को बचा लिया था, तो वो खुशी से मेरे टीम में आ गया। फिर गेंगार को भी हम लोगों ने पकड़ लिया था, और फिर उसके बाद एक और कोई तो टूर्नामेंट था, उसमें भी हम लोगों ने काइंड ऑफ पार्टिसिपेट किया है। तो अभी हम लोग आगे की स्टोरी को कंटिन्यू करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, मैंने मेरी टीम के साथ थोड़ी सी ट्रेनिंग कर रखी है, बिकॉज आई डोंट नो अगर व्हाट इफ अगर हमारे सामने अभी बैटल्स हो गए और काफ़ी ज़्यादा वाले लेवल्स के आ गए पोकेमॉन, तो मेरे को दिक्कत हो सकती है। तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने एंड में यहाँ पे कोई तो लड़की थी उससे बैटल किया था, और उसके बाद हमारी रैंक जो थी वो थोड़ी बढ़ गई थी। तो अभी हम लोग इससे बैटल करेंगे, मिलकर खुशी होगी आई गेस। तो मेरे नेक्स्ट अपोनेंट हो, अपना बेस्ट दो, मैं और स्टैनियम ही जीतेंगे। अरे मुझे नहीं लगता तुम जीतोगे, बिकॉज आई एम गोइंग टू यूज़ माई पिकाचू, बिकॉज एश ने भी इसके सामने पिकाचू को यूज़ किया था। सो चलो इसको हराएंगे पिकाचू की मदद से। लेट मी यूज डिग। ओके आई गेस थंडरबोल्ट, कोई नहीं, हरा दिया। नाइस परफॉर्मेंस के हिसाब से तुम्हारी न्यू रैंक है 1512। वर्ल्ड कोरोनेशन सीरीज का अगला ओपोनेंट है हेडन, वर्मिलियन सिटी में बैटल के लिए रेडी। ओके, तो ऐसे हम लोगों को बैटल्स करनी है जिसके साथ हम लोग काफ़ी ज़्यादा लेवल अप कर लेंगे काइंड ऑफ वर्ल्ड कोरोनेशन के इसमें रैंक में। मैं अपनी रैंकिंग इनक्रीज़ करने वाला हूँ। अच्छा रुको, इसमें भी ऐश ने पिकाचू का यूज़ किया था, सो दैट्स वाई हम लोग पिकाचू ही यूज़ करेंगे। ये तो वन शॉट किल हो गया। तुम्हारी रैंक है 1439। ओके 1439। इनकमिंग कॉल फ्रॉम प्रोफेसर सीरीज। ओके ऐश, बैटल कैसा चल रहे है? माफ़ करना लेकिन लैब में तुम्हारी ज़रूरत है। ओके वेट, उससे पहले हम लोग अपने पोकेमॉन को हील कर लेते हैं, बिकॉज पिकाचू को थोड़ा बहुत डैमेज पड़ा है। नर्स जो है मेरे को क्यों बुला रही है? एक्सक्यूज़ मी, आई एम सॉरी टू बॉदर यू, बट आई एम टेकिंग केयर ऑफ एन एग दैट रिफ्यूजेज टू हैच, हाउएवर इट रिएक्टेड टू योर प्रेजेंस। ओके वुड यू लाइक टू टेक केयर ऑफ इट? इट फील आई फील इट कुड हैच इट इफ इट वॉज विथ यू। ओके आई नो, ये वाला सीन, ये वही अंडा है जिसमें से हम लोगों को हमारा रियोलो मिलेगा, जो कि आगे जाके लुकारियो में इवॉल्व हो जाएगा। तो ओके एंड आई गेस एपिसोड में वो उसी टाइम पे विकसित हो गया था, उसी एपिसोड में विकसित हो गया था। वेट, मैंने पोकेमॉन हील नहीं किया, मैं गया किस काम के लिए था और करके क्या आया। ओके कोई बात नहीं, अभी हम लोगों को प्रोफेसर ने बुलाया है अपने लैब में, तो चलो गाइस जाएंगे लैब में। ओके दैट वॉज रियली क्विक। हमारे पास एक रियोलो आ चुका है, मैंने ओवरले में अपडेट भी कर दिया रहेगा, निकनेम मैं नहीं देता। वेट आई कैन डू वन थिंग, मेरे पास आई डोंट नो अगर मेरे पास एक्सपी शेयर होगा कि नहीं, था आई गेस मेरे पास था। वेट होना चाहिए। ओके ये रहा, हम लोग इसको गिव करेंगे एक्सपी शेयर, जिससे कि अभी भी मतलब अभी ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ओके चलो देखते हैं। गुड, दोनों साथ हो, तुम्हें सीनो के रिसोर्ट एरिया में जाना होगा, वहाँ की लोकल लेक में एक मिस्टीरियस पोकेमॉन देखा गया है, देखो अगर तुम्हें मिले तो। ओके और गो तो क्या बोलेगा, चलो उस मिस्टीरियस पोकेमॉन को ढूंढने। ओके तो आई गेस हमारे पास अभी सीनो जाना पड़ेगा, तो आपके पास दो रास्ता है, या तो आप लोग यहाँ से पोकेमॉन सेंटर से वो टेलीपोर्ट करके अपने सीधा वहाँ पर चले जाओ, कहाँ पर अपने घर पर ऑब्वियसली पैलेट टाउन में, और फिर वहाँ से अपने घर वालों से घर में जो प्लेट होती है वहाँ पे पैर रख के सीनो चले जाओ, वो काफ़ी लंबा प्रोसीजर है। उससे अच्छा मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ, ये गेम है ना पानी में, यहाँ पे बहुत लैग होता है, बट ठीक है कोई बात नहीं, आप लोगों को बस आखिरी वाले में आना है और ये आपको सीनो पहुँचा देगा, ट्रस्ट मी गाइस, रिजॉर्ट एरिया। ओके हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं, तो चलो देखते हैं। ओके एक फेरी टाइप पोकेमॉन, कोई बात नहीं। भाई प्लीज, अरे मिस क्यों कर रहा है अपने अटैक्स। ओके हरा दिया, नाइस।
डिफेंड नहीं सिखाना, काउंटर भी नहीं सिखाना। मेटल ग्लो मे भी, बिकॉज वो एक स्टैप बूस्ट हो जाएगा। डबल टीम हटा दो। रियुलेक के पास काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस आ गया। डैम मेरे पास मैक्स रिपल होनी चाहिए। वेट, लेट मी यूज़ माई मैक्स रिपल्स, बट उसके लिए मुझे ऑल द वे पूरा ऊपर जाना पड़ेगा। मेरे पास कितने सारे आइटम्स हैं, इधर ही तो आई गेस, इधर ही था। ओके, मैक्स रिपल मैंने यूज़ कर दिया, अभी वी आर सेफ। अरे यार, तुझे भी बैटल अभी करनी थी। लेट मी डू ड्रैगन डांस। ओके, तूने भी टीटर डांस कर दिया। और हाँ, मैंने देख सकते हो ड्रैगन नाइट को आउटरेस सिखा के रख दिया है। और वर्कअप सीख रहा है। वर्कअप इज़ अ नाइस मूव। बेसिकली वर्कअप से हम लोग अपने अटैक और स्पेशल अटैक को बढ़ा देते हैं, तो रिवर्सल हटा देते हैं। वैसे भी कोई काम का नहीं है। ये कौन सा पोकेमॉन आ रहा है? नहीं, मेरे को इसी को रखना है। एक केक्लियोन। आई सी। ओके, काफ़ी इजीली हरा दिया। इसमें क्या मिला मेरे को? एक थंडरस्टोन। नाइस। देख ब्रो, मेरे को तेरे साथ बैटल नहीं करनी। अच्छा होगा कि तू मुझे यहाँ पे ना देखे। तो अभी हम लोग आ चुके हैं रिसोर्ट एरिया में। और ये क्या है? मैजिकार्प है, लेकिन ये स्पेशल है। ये स्पेशल नहीं है, लेकिन ये मेरा है। ओके, मैजिकार्प तो कॉमन होता है। तुम थक गए हो, थके हुए लगते हो, थोड़ा आराम कर लो। नहीं, यहाँ नहीं, मैंशन में जाओ, वहाँ अच्छी फैसिलिटीज़ हैं। बट मेरे को पोकेमॉन सेंटर में करना है, वो काफ़ी ईजी होता है। बट ओके, नहीं, इस जगह पे मैं आ चुका हूँ। आई नो, मेरे को यहाँ पे सबसे कोने में वो आंटी हील करती है। मेरे को बस यहाँ पे बेड में जाना था या फिर आंटी से बात करनी थी, आई डोंट नो। मैक्स रिपल बहुत सारे हमारे पास, मैं यूज़ कर लेता हूँ। ओके, थैंक यू आंटी, आपने मेरे पोकेमॉन हील कर दिया। अभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे। और यहाँ पे टीम रॉकेट भी है। ओके, आई डोंट नो, आई गेस उन्हीं से बैटल करनी है। उससे पहले मैं अपने फ्री टाइम में बेरीज ग्रो करती हूँ, मुझे बहुत प्यार है इनसे। ओके, रिपेल नहीं चाहिए, चेस्टो बेरी, जिससे कि हम लोग अपने सोयो पोकेमॉन को उठा सकते हैं। लम बेरी से पता नहीं, आई गेस बर्न हील होता है, आई डोंट नो। क्या लिखा है? हमारे काम में दखल मत दो। मेरा काम है दखल देना ब्रो। इफ़ यू आर टीम रॉकेट, आई एम एश केचम, इट्स माई जॉब। चलो आउटरेज यूज़ करेंगे और ख़त्म कर देंगे। ओ, आफ्टर मैथ। ओके, वो स्पेशल मैजिक अब हमारा होगा। अच्छा, आई गेस तुम उस लड़की के मैजिक आप की बात कर रहे हो। एक पर अगली, ये काफ़ी टट्टी पोकेमॉन है। ओके, तेरा स्पीड मेरे से ज़्यादा है। डैम, कॉपी कैट वगैरह कुछ नहीं मुझे सिखाना मेरे को। ओके, तू यहाँ पे क्या कर रहा है ब्रो? प्लेइंग अ गेम डोंट बॉदर मी, आई नेवर वॉन्टेड टू कम हियर एनी वे। ओके, पता नहीं किसको ये सब रोक, किसी को तो ये सब रोकना पड़ेगा आई गेस। क्या सब रोकना पड़ेगा? मैं हूँ ना, मैं रुकूँगा। किसने कहा कि तुम बीच में आ सकते हो? मुझे किसी कहने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही आ जाता हूँ, ऐसा मेरी आदत है। सुपर इफेक्टिव मूव रहेगा इसके सामने, एंड ये चला हार गया। रॉक स्मैश आई गेस। हाँ, रॉक स्मैश इज़ अ नाइस मूव, और इट मे लोअर द डिफेंस। वैक्यूम वेव से क्या हो करता है? दिस में ऑलवेज नहीं, फिर नहीं चाहिए, क्योंकि वैक्यूम में एक क्विक अटैक की तरह है, हमेशा पहला अटैक करेगा। तो जस्ट इन केस अगर मेरे को किसी को ख़त्म करना है फिनिशिंग ब्लो दे के, तो आई कैन यूज़ वैक्यूम वेव। तो तुम्हें ठिकाने लगाना पड़ेगा। अच्छा, ट्राई कर ले ब्रो। तो एक ग्राइप हीलियर। ओके, वेट, ड्रैगन डांस, तूने स्टोन एज यूज़ कर दिया। डैम, कोई बात नहीं, हमारे ड्रैगन नाइट ने उसको हरा दिया काफ़ी इजीली।
कुछ बोल ना बोल। ओके वेट आई गैस अभी हम लोग पोकेमोन को किसी और को स्विच कर लेंगे या फिर रियोलो को यूज़ कर सकता हूँ डेफिनेटली मैं यहाँ पे। चलो देखते हैं। तुम फिर से कहना तो नहीं चाहती लेकिन ये ऑपरेशन फेल हो चुका है, सब वापस चलो। ओह ओके, मेरे को एक कॉल भी आ रहा है गोस से। ऐश मुझे वो मिस्टीरियस पोकेमोन टीम रॉकेट के आने से पहले ही मिल गया, वो एक मैजिक आप था, मैं उसे पकड़ कर लैब ले आया, तुम भी यही आ जाओ। अच्छा तो यहाँ पे आने का कोई मकसद ही नहीं था मेरा, बट वेट ये लड़की अभी भी यहाँ से हट नहीं रही है, तो मेरे को अगर मेरे पोकेमोन को हील करना है तो मेरे को फिर से वो आंटी की मदद लेनी पड़ेगी, बिकॉज हु नोज कब आपको ज़रूरत पड़े पोकेमोन से बैटल करने की। ओके थैंक यू आंटी, आपने बहुत जल्दी मेरे पोकेमोन को हील कर दिया, गॉड ब्लेस यू आंटी। मैं कहाँ से आया था आई गेस, ए ये रहा ना मैजिक आप, तो मेरे को देगी क्या, यही है क्या वो? नहीं नहीं गो ने तो बोला था उसने ऑलरेडी पकड़ लिया उसको, तो ये वो नहीं रहेगा। वेट मैक्स रिपेल यूज़ करने का टाइम आ चुका है आई एम प्रीटी श्योर। मैंने अरे बाबा मैंने यूज़ अच्छा अच्छा रियोलो को आगे रखा, दैट्स वाई। वेर इज़ माई पिकाचू, ओके नाउ लेट्स गो। देख देख यहाँ पे देख मत, मेरे को तेरे साथ बैटल नहीं करनी, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, तेरे साथ तो बैटल हो चुकी है। मैंने वो पोकेबॉल मिस कर दिया, वेट रीपर क्लोथ ओके। हटो यार हटो, सामने से हटो। चलो अंकल रिटर्न, चलो वर्मिलियन सिटी हमारा यहाँ पे काम हो गया, टाइम पास में आए थे यहाँ पे, लिटरली टाइम पास में। मतलब अगर गो को पहले ही वो पोकेबॉल लेके भागना था तो हम लोगों को बुलाया क्यों टीम रॉकेट को ऐसे ही फाइट करने के लिए, बट आई गेस कोई बात नहीं, चलो देखते हैं। मैं पहले यहाँ पे फिर से एक बार, फिलहाल तो रिपेल यूज़ नहीं करूँगा। ओ मेरा रियोलू यहाँ पे आ गया, हाय रियोलू, तेरे को नीचे जाने में कोई दिक्कत है? आई एम हैप्पी तुम दोनों ने मैजिक आपको टीम रॉकेट से पहले ढूंढ लिया। वैसे ओ प्रोटॉम फोन अनाउंसमेंट कर रहा है, वर्ल्ड कोरोनेशन सीरीज एक बैटल फेस्टिवल चैलेंज होस्ट कर रही है। ओके कैलोस रीजन में, कैलोस रीजन की शेलोर सिटी में। ओ कैलोस कैलोस पोकेमोन पकड़ने का सुनहरा मौका, अभी चले? हाँ ठीक है, शेलोर सिटी, आई नो दिस सिटी, बट करना क्या है मुझे यहाँ पे? अरे यार ये कभी कभी थोड़ा सा गेम वियर्ड हो जाता है। ओके आप बैटल करोगे, मजे लेते रहो बच्चे के, ले रहा हूँ। फेरी जेम आई डोंट नो ये एपिसोड में था अभी कि नहीं, बट ओके कोरिना रिसेंटली वापस आ गई, वो काफ़ी एक्साइटेड लग रही है। ओके कोरिना आई नो दिस गर्ल, ये मूव सबके लिए परफेक्ट है। वॉन्ट टू लर्न नॉक ऑफ, मेरा पोकेमोन सीख सकता है क्या? वेल देखा जाए तो गंगार सीख सकता है, बट नहीं यार मेरा गंगार एक मेरा फिजिकल अटैकर नहीं है गंगार, तो कोई बात नहीं। यहाँ पे हम लोगों को आई गेस यही आना था, वर्ल्ड कोरोनेशन सीरीज एक ट्रेनर का सबसे बड़ा गोल है। बैजेस की किसे पड़ी है? मुझे पड़ी है ब्रो, मैंने कंप्लीट करने की डेडलाइन मिस कर दी। कोई बात नहीं, यहाँ से आगे तुम्हें मल्टीपल ट्रेनर्स से बैटल करना पड़ेगा वर्ल्ड कोरोनेशन सीरीज में, तैयार हो? हाँ वेट, अगर मेरे को अच्छे से याद है तो गाइस यहाँ पे गंगार और ड्रैगन नाइट का यूज़ करता है कोरिना, क्या नाम था, कोरिना के साथ बैटल में। पिकाचू का यहाँ पे कोई काम नहीं है, बट मेरे को याद नहीं आ रहा है ठीक से कि मैंने उसने पहले गंगार का यूज़ किया था कि ड्रैगन नाइट का यूज़ किया था, आई एम नॉट श्योर। फिलहाल तुम लोग पिकाचू को यूज़ करेंगे यहाँ पर बिकॉज ऑब्वियसली इस बैटल, ये बैटल अननेसेसरी है, मेरे को मेन बैटल है उसकी, तो इसको ख़त्म करेंगे। डैम ये मरा नहीं, ओके मेरी रैंक बढ़ती जा रही है, नथिंग इज गोइंग टू स्टॉप मी। अच्छा थिंक अगेन ब्रो, थिंक अगेन, एक क्रैप बॉलर, ओके ख़त्म वन शॉट के। मेरे को देख के लगा था कि वो वाटर टाइप होगा, बट नहीं वो वाटर टाइप नहीं था। मेरी रैंक अभी 1157 है। ओके हाउ इट्स गोइंग, सब सही चल रहा है अंकल। क्रॉइट्ज़र ओके,
ओके अभी मेरी रैंक है 1022। ओके सो अभी हम लोग रखेंगे, अब नहीं मैं तो चूज़ करने का ऑप्शन मिलेगा ना हम लोगों को वहाँ पे। ऐश यू आर कम्पीटिंग टू, दैट्स ऑसम। आई एम एट रैंक 1001001। ओके सो माई नेक्स्ट विन विल गेट मी इन टू ग्रेट क्लास। अच्छा तो 1000 के ऊपर ग्रेट क्लास होती है। ओके बट आई डोंट नो पहला कौन सा पोकेमॉन होता है, बट देखते हैं। आई गेस पहला आई गेस गेंगार होता है, आई एम नॉट श्योर, देखते हैं। हाँ मिनशू के सामने गेंगार ही था उतना तो मुझे याद है। तो लेट्स यूज साइकिक, वन शॉट किलो के डैम। लुकारियो के सामने वो ड्रैगनाइट का यूज़ करता है और वो बैटल काफ़ी लंबी चल रही थी तो पहला यूज़ कर लेते हैं। ओके आर यू सीरियस, मेरा पोकेमॉन डेड हो गया। वेट मेरे को ऐसा तो नहीं करना था, ऑब्वियसली आई एम गोइंग टू रिवाइव माय पोकेमॉन। मैं हराऊंगा तो तेरे को ड्रैगनाइट से ही ब्रो। ओके नाइस, अभी अगर मेरा पोकेमॉन फ्रेंड भी हो जाए तो मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू यूज़ अ मूव जो कि उसके सामने ऊपर कोई भी कुछ काम नहीं करेगी। ओके मैं जानबूझ के अपने गंगार को यहाँ पे फ्रेंड करा रहा हूँ बिकॉज ऑब्वियसली अभी हमारा ड्रैगनाइट छाएगा। लेट्स एंड दिस बैटल विथ ड्रैगन क्लो और हम लोगों ने इसको हरा दिया। नाइस, ओ मैन आई वॉज सो क्लोज। कोई बात नहीं कोरिना, होता रहता है। रोटोम फोन ने फिर से हमारी अनाउंसमेंट कर दी। परफॉर्मेंस के हिसाब से अभी हमारी रैंक है 921 और हम लोगों ने ग्रेट क्लास को एंटर कर दिया। व्हाट अ बैटल, यू आर स्टिल जस्ट एज स्ट्रॉन्ग एज आई रिमेंबर। अरे कोई बात नहीं, होता रहता है। ओके हमारा यहाँ पे भी काम हो चुका है, अभी हम लोग जाएंगे फिर से रिटर्न। लेकिन उससे पहले एक मिनट, अगर मुझे यहाँ से रिटर्न जाना पड़ेगा तो मुझे नहीं पता कहाँ से जाना पड़ेगा। इससे यहाँ से रिटर्न कैसे जाते हैं, मेरे को आइडिया नहीं है गाइस। कोई लेके जाएगा मुझे यहाँ से, डोंट टेल मी मेरे को यहाँ से खुद से जाना पड़ेगा। वेट हे आई कैन डू दिस, इतना भी हार्ड नहीं है। यहाँ से हम लोग कौन सी सिटी थी जहाँ से हम लोग आते थे, आई गेस लूमियो सिटी। ओके यहाँ पे मेरे को रिसर्च लैब ढूंढनी पड़ेगी। ये क्या था, ये क्या था ब्रो, हेलो हेलो कुछ तो गया ऐसे बहुत स्पीड में। अच्छा ये गोगोट था, ओके उसकी स्पीड देखो डैम, इतना फास्ट भाग रहा है दिखता भी नहीं है। अभी हम लोग यहाँ से जा सकते हैं कैंटो। हाय मम्मी मैं आ चुका हूँ फिर से यहाँ पे। I'm pretty sure मैंने रिपेल यूज़ कर रखा था, नहीं रखा था आई डोंट नो, बट हमारा काम यहाँ पे हो चुका है। अभी हम लोग जाएंगे फिर से वर्मिलियन सिटी। ओके वेल अभी मुझे बताना गाइस, एक काम करो मुझे बताना कि हमारा जो रियोलो होगा वो कौन से एपिसोड में विकसित होगा। उसका लेवल तो काफ़ी डिसेंट है, अभी हम लोग देखेंगे करना क्या हम लोगों को। पहले तो हम लोग ऊपर जाके पोकेमॉन को हील कर लेंगे ऑब्वियसली। ओके पोकेमॉन हील हो चुका है, अभी देखते हैं और क्या करना बाकी है। अब तुम ग्रेट क्लास में हो, वाह ऐश। हाँ याद आया, गलार चैम्पियन का जल्दी ही एक मैच होने वाला है, तुम्हें जाकर देखना चाहिए। मैं तैयार हूँ, तुम आ रहे हो और ठीक है तुम तैयार हो ऐश। हाँ यस आई एम रेडी। विंडॉन में आ चुके हैं गाइस हम लोग फिर से, आप कहाँ जाना चाहेंगे। नहीं नहीं ये तो वो ट्रेन स्टेशन है ऑब्वियसली, उसका मैच होने वाला है। वेट ये क्या है, फारफेच बहुत ध्यान से तुम्हारी तरफ देख रहा है, क्या तुम इसे अपने टीम में रखना चाहते हो। आई डोंट नो, अभी तक मैंने तो कोई देखा नहीं ऐसा एपिसोड, बट आई गेस रख लेते हैं। नहीं मेरे को इसको निकनेम नहीं देना। ओके और यहाँ पे ये सोनिया है ना आई गेस, ये गोभी है,
गलार के लेजेंड्स ओके, मुझे इन मिस्ट्रीज़ के आंसर्स चाहिए। ये स्टैचू ये गलार का पास्ट के लिए लेजेंडरी हीरो का है ओके। बहुत समय पहले एक भयंकर तूफान ने गलार को घिर लिया था और एक जायंट पोकेमोन तबाही फैला रहा था। वो तभी एक अकेले यंग हीरो ने अपनी स्वॉर्ड एंड शील्ड से रोकी थी ओके। लेकिन पूरी कहानी कोई नहीं जानता, आखिर वो हीरो कौन था, वो स्वॉर्ड और शील्ड कहाँ गई और इसका डायनामिक से क्या लेना देना है। सॉरी मैं बड़बड़ करने लगी, मैं हूँ सोनिया, मुझे पता है तो सोनिया है, मैं अपनी दादी के लिए रिसर्च कर रही हूँ। ओ तुम लियोन का मैच देखने आए थे, वो तो जस्ट 2 मिनट पहले ही ख़त्म हो गया, लियोन जीत गया ऑफ कोर्स। ओके ओके तो अभी मुझे क्या करना है, बिकॉज लियोन का मैच तो ख़त्म हो चुका है, ये मॉर्ग्रेम है आई नो, अंदर जाके एक बार चेक कर लेता हूँ। ये वो है ना लियोन का राइट हैंड लेफ्ट हैंड जो भी बोल सकते हैं, रिहान। भैंस की आँख, लियोन कितना स्ट्रॉन्ग है रे, कुछ भी करूँ वो हारता ही नहीं। ओ तुम भी वर्ल्ड कोरोनेशन सीरीज़ में हो, तो मास्टर क्लास से बहुत दूर बहो बच्चे, क्या पता कभी हमारा भी आमना सामना हो जाए, लेकिन ये मत सोचना कि मैं तुम्हें जीतने दूंगा। अरे रिहान डोंट वरी ब्रो, किसी दिन ऐसे बुरी तरीके से हराऊंगा तो अपना मुंह नहीं दिखा पाएगा किसी को। ओके फिलहाल कोई मैचेस नहीं हो रहे ओके, तो आई डोंट नो अभी मुझे करना क्या है। ओ रॉम फिर से अनाउंसमेंट कर रहा है, वर्ल्ड कोरोनेशन सीरीज़ का अगला ओपोनेंट टोनी वर्मिलियन सिटी में बैटल करने के लिए तैयार है। ओके तो फिर से हम लोगों को, मैं गो तेरे को छोड़ के जा रहा हूँ यहाँ पे, आई डोंट केयर। सैफ्रॉन लेके चल भाई। ओके अभी हम लोग जाएंगे यहाँ से सीधा सैफ्रॉन से फिर से वर्मिलियन, और फिर से कोई तो नया बंदा है जो कि बैटल करने के लिए रेडी रहेगा। आई एम नॉट श्योर वो कौन रहेगा इस बार, तो मैं यहाँ पे बस एक बार फिर से पोकेमोन हील कर लेता हूँ। हमारा काम यहाँ पे हो चुका है आई गेस आज के। ये देखो ये फायरपेस भी आ गया मेरे टीम में, डैम। तो एक काम करते हैं, आज के एपिसोड में यही पे एंड करूँगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो मेक श्योर इस वीडियो को लाइक करना, एंड गाइस प्लीज़ मुझे बताना स्टोरी में मुझे क्या करना है, मुझे ज़्यादा कोई आइडिया नहीं है। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज़ एपिसोड, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई, मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, पीस आउट।